दोस्तों बिग बॉस ऑडिटी के घर के अंदर नए कैप्टनसी टास्क और नए टिकट टू फिनाले टास्क की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, एक नहीं बल्कि एक साथ डबल धमाका देखने को मिलने वाला है। दरअसल बिग बॉस ने साफ तौर पर कह दिया है कि यहां पर जो टिकट टू फिनाले में सबसे पहले एंटर होगा वही सदस्य घर का अगला नया कप्तान बन जाएगा और पूजा भट्ट की कैप्टनसी बिग बॉस ने रद्द कर दी है। बात करें आज घर के अंदर होने वाले टास्क की, तो आपको जैसा कि हमने पहले बता दिया था कि घर के अंदर गार्डन एरिया में तीनों ही दावेदार यानी कि एल्विस भाई, बेबिका और जिया शंकर की अलग अलग टॉयज की शॉप लगी हुई है। हालांकि वो दुकान खाली रहेगी, लेकिन जैसे जैसे शिप हॉर्न की आवाज आएगी तब तब घर के गार्डन एरिया में बना वेयर हाउस के अंदर स्टॉक आ जाएगा टॉयज का और तीनों ही दावेदारों को जल्दी जल्दी अपनी दुकान के लिए टोकरियां लेकर जानी होगी और सबसे ज्यादा टॉयज वहां से इकट्ठे करने होंगे और इसके बाद में वो अपनी दुकान पर आकर उन टॉयज को जमा कर लेंगे। वहीं दोस्तों यहां पर बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ के साथ ही दुकानें खुल जाएगी और यहां पर जो घर के बाकी कंटेस्टेंट हैं उनको कुछ मोती मिले हैं टॉयज खरीदने के लिए, यानी कि घर वाले यहां पर कस्टमर का किरदार निभाएंगे, ग्राहकों का किरदार निभाएंगे और वो दुकानदारों से ज़्यादा खिलौने खरीदने की कोशिश करेंगे। अब ये तो हम खैर सभी जानते हैं कि किसके ज़्यादा खिलौने बिकने वाले हैं। खैर कीमत की बात करें टॉयज की, तो आपको बता दें कि दुकानदार खुद अपने हिसाब से कीमत तय करेंगे टॉयज की कि कितने मोतियों में उनको सामने वाले ग्राहक को अपना टॉयज बेचना है। इसके अलावा दोस्तों समय समय पर यहां पर शटर डाउन की आवाज़ आएगी और इस दौरान जो दुकानें हैं वो दुकानदार बंद करके अपने अपने काम में लग जाएंगे, लेकिन पीछे से घर के बाकी कंटेस्टेंट जो कि ग्राहकों की भूमिका निभाएंगे वो दुकानों में डाका भी डाल सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों ये टास्क वाकई काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। फिलहाल आप इस धमाकेदार टास्क को देखने के लिए कितने एक्साइटेड है और इस टास्क के दौरान आप किसको विजेता बनाना चाहते हैं अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप भी इस टास्क में एल्विस भाई को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बिग बॉस की हर अपडेट आप तक पहुँचे सबसे पहले।